Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Way Truth Always Exposes Darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में अगला पड़ाव किस तरह से होंगे, हाउ विल बी द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन. देख लेते हैं इस अगले पड़ाव में आपके लिए क्या रखा है. ठीक है, सो प्लीज सी द रीडिंग टिल द लास्ट. राइट, एंड सब्सक्राइब लेक्चर जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन थ्रेड्स @sudakshina1369. सो लेट्स सी कि अगले पड़ाव में आपके लिए क्या आने वाला है. देखो, ये रीडिंग रिलेट कर सकता है आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके स्टडीज, आपके डेफिनेटली बिजनेस, हेल्थ, एनी टाइप ऑफ सेक्टर्स. सो यहां पे आ रहा है नर्चरिंग. वाओ, यहां पे आ रहा है डेथ कार्ड. दो कार्ड यहां पे आया है, लुदेर एंड इनसेप्टम. ओके, हमारे पास यहाँ पे है क्यूम्यूलस एक्यूमुलेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है ये. ऑलराइट, यहाँ पे है हमारे पास डाउट डुबम एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे है जस्टिस. जस्टिस, ऑलराइट. हम क्या करते हैं, और भी कार्ड्स देखते हैं एंड देन वी विल जस्ट कम इनटू द मेन रीडिंग. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो वी डू हैव द सिक्स ऑफ शील्ड्स. वाओ, दिस इज द सिक्स ऑफ वैंड्स. और यहां पे दो कार्ड यहां पे निकला है, थ्री ऑफ विजडम. दिस इज एक्चुअली द थ्री ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है नाइट ऑफ लव. वाओ, यहाँ पे है एस ऑफ कप्स. यहाँ पे और यहाँ पे दीज आर द सेम थिंग्स ओवर हियर. ओके, यहाँ पे है लॉर्ड ऑफ विजडम. दिस इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है स्क्वायर ऑफ शील्ड्स. ऑलराइट, और यहाँ पे है स्क्वायर ऑफ विजडम. I find this face, this is similar to Mona Lisa, the famous art. सबको पता होगा. ओके, किसका नाम है मोना लिसा यहाँ पे, तो जरूर कमेंट करना. और राइट, सो यहाँ पे है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पे है. वी डू हैव द कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. We do have the Aries, Leo and Sagittarius, मेष सिंह धनुराशि यहाँ पे है. ओके, वी डू हैव Aquarius, Gemini and Libra, कुंभ मिथुन तुला राशि है. Aries and Scorpio है, मेष और वृश्चिक राशि है. We do have this one, Cancer, Pisces, Scorpio. Libra is also very important. Now, important numbers can be 3, 6, yes, 3 and 6 can be very important and 1. अभी क्या होने वाला है, अब क्या अगले पड़ाव में क्या आने वाला है. देखो, दो कार्ड्स में काफी सिमिलैरिटीज है. दिस इज बिल्कुल इस तरह से है आपकी जिंदगी में, और यहाँ पे इस तरह से ही परिवर्तन होगा आपके अगले पड़ाव में. ये मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी जीवन, अगर करेंटली इस सिचुएशन से गुजर रहे हो आप, कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ कमी तो है, ठीक है, एंड नो वन कैन फुलफिल इट. आपको इस ऐसा धारणा क्यों है मुझे नहीं पता, बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकता है. आपको ऐसा लगता है जिस तरह का सेटिस्फेक्शन लेवल आप चाहते हैं, मे बी मॉनिटरी वाइज, मे बी यू कैन से लाइक लव वाइज हो सकता है, आपके परिवार वाले का कुछ इस तरह से इश्यूज हो सकते हैं जो आपको काफ़ी बॉदर करते हैं, काफ़ी मसले हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स है. लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगले पड़ाव में आपके कप जो है यहाँ पे खाली नहीं रहेगा, ये भरपूर हो जाएगा.
दिस विल बी फिल्ड विद द अबंडेंस दैट इज कमिंग इन योर लाइफ. कुछ भी कमी यहाँ पे नहीं रहेगा. एटलीस्ट यहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो बोला जाता है, एक प्रोडक्ट हम खरीदते हैं ठीक है मार्केट से, और उस तरह का प्रोडक्ट हमें सेल किया जा सकता है जिससे हम और सेटिस्फाई हो. उससे मार्केटिंग या प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर है जो बनाते हैं उस प्रोडक्ट को, क्या उनका फ़ायदा होगा? हम संतुष्ट रहेंगे, कस्टमर संतुष्ट रहेंगे तो और भी खरीदारी करेंगे, वो और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करेंगे, इससे उनका भी सेल बढ़ेगा और हमारा भी जो ज़रूरत है वो भी पूरा होगा. सो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़रूरत जो है वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है. यू विल गेट द कम्प्लीट प्लेजर, व्हाट आई थिंक सो. अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप इज ऑल्सो ऑन द कार्ड. एक नई तरह से, एक नई दिशा पे आपकी जो लव लाइफ है वो शुरुआत होने जा रहा है. ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आप मेंटली सेटिस्फाइड तो होंगे लेकिन आपको फुलफिलमेंट भी होगा कि ठीक है मुझे इसी तरह का पार्टनर चाहिए था. कहीं ना कहीं पे आप अगर अपने करियर या प्रोफेशन के लिए देख रहे हैं, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ड्यू टू कोलैबोरेशन या ड्यू टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर आप पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनरशिप में हैं ठीक है, उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आपके बिजनेस की हैवी ग्रोथ मैं प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ. जहाँ पे आपकी जीत जो है वो पक्का है, चाहे जितने भी राइवलरीज क्यों ना आ जाए. और भी मैं आपको बता देती हूँ, आपके खान पान का कभी भी कोई कमी नहीं रहेगा. दूसरा चीज़ है कि अगर आप कोई इफ़ यू आर स्टूडेंट राइट, यू आर लर्निंग समथिंग, अगर आप कुछ सीख रहे हो ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो मुझे दिख रहा है कि द बेस्ट नॉलेज यू विल रिसीव. सबसे अच्छा चीज़, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो है, तजुर्बा आप प्राप्त करोगे. आपकी दाखिला ऐसा कॉलेज या एडमिशन आपकी ऐसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ऐसा हो सकता है जहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स ठीक है. प्रैक्टिकल रिसर्च वर्क, कहीं ना कहीं पे ग्राउंड वर्क ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने ही घर का एक नई बुनियाद शुरू करो. आपको लग सकता है कि ये जो मेरा घर है, मुझे लग रहा है कि इसको बदलाव करने चाहिए. सो आई डू फील लाइक दैट. आपको शक हो सकता है किसी इंसान के ऊपर, लेकिन वो शक तभी दूर हो पाएगा अगर आप अपने जो कन्फ्यूशन है, अगर आपकी जो भी डाउट्स है, आप बहुत सारे लोगों के साथ अगर शेयर करें, सेकेंड ओपिनियन ले, एक्सपर्ट ओपिनियन ले, तो मुझे लगता है आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा. जितने भी देखो, जस्टिस मिलेगा आपको, और जस्टिस के नीचे ये कार्ड था कि ग्रैटिट्यूड. जब भी हम, क्या होता है ना, हमारे हम भगवान से मांगते, ईश्वर से मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, और तभी ना हमें ऐसा लगता है कि अरे भगवान मुझे दे दो दे दो दे दो. और जब हमें वो चीज़ मिल जाता है, चाहे बाई आवर लक हो, बाई गॉड्स ग्रेस हो, लेकिन ना हम ग्रेटिट्यूड अदा करना भूल जाते हैं. सो नेवर एवर ओके, डोंट फॉरगेट टू शो योर ग्रेटिट्यूड. से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू जो भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं, बोलिए थैंक यू. थैंक यू टू योर पेरेंट्स, ओके, ऑलवेज डू दैट. किसी ने आपके लिए कुछ भी किया हो, छोटा सा भी हेल्प किया हो, सो बोल दीजिए थैंक यू. अगर आपके पास जो भी चीज़ें हैं ठीक है, अगर आपके पास एक घर है ठीक है, छत है, जो बाकी लोगों के पास शायद नहीं भी हो सकता है. बहुत सारे अनफॉर्चुनेट पीपल आर देयर राइट, देयर फेट इज़ लाइक दैट. सो आप ज़रूर उनसे बताइए कि आपने जो भी मुझे दिया है मैं उससे संतुष्ट हूँ, एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम रियली ग्रेटफुल. तो ये एनर्जी जब पास होता है यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स भी आपको, जैसे होता है ना कि हम अपने मम्मी पापा को, अगर मम्मी ने अच्छा खाना बनाया, सो अगर हम मम्मी को बोल देते हैं मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाया, तो मम्मी भी खुश हो जाती है, तो उनकी दुआ लग जाए. अगर हम बोले अच्छा खाना नहीं बनाया, क्या बनाते हो बेकार के जैसा, तो अच्छा एनर्जी नहीं निकलता, क्योंकि वो माँ है. सो सिमिलरली यूनिवर्स इज ऑल्सो लाइक आवर मदर. सो यू हैव टू एक्नॉलेज ऑल्सो, ग्रेटिट्यूड दो. जितने भी है आपके पास उतने के लिए आप ग्रेटिट्यूड दो. सो मुझे दिख रहा है आप दोगे भी. नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ विल बी लाइक दैट, कि आपको जो चाहिए था
आप बहुत ज़्यादा हार्डशिप, ठीक है, स्ट्रगल से गुजर रहे हो, और जब आपको वो चीज़ मिल रहा है, जस्टिस जब आपको मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, स्पेशली दिल के मामले में, ओके, दिल के अरमांसों में रह गए, वो वाला नहीं होगा, अभी खुशी वाला ऐसा होगा, ठीक है. सो बिल्कुल उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि दैट यू विल डू दैट, यू विल गो फॉर इट एंड यू विल एक्नॉलेज दैट, ठीक है. अगर आप काम कर रहे हैं और आपके बॉस आपको कोई ग्रेटिट्यूड नहीं शो करते, कुछ नहीं करते, तो आपका भी मोटिवेशन वहाँ पे नहीं बनता है, राइट. उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने वाले हैं जिसके वजह से कंपनी का भी काफ़ी प्रॉफिट होगा, कंपनी का भी प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बढ़ेगा. अगर आप खुद ही बिजनेस कर रहे हैं उसका भी सेल्स, ठीक है, ज़्यादा होगा, लॉस कम होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, आप सस्ते दामों में रॉ मटेरियल्स को खरीदने वाले, उसके लिए भी आपको सप्लायर्स मिलेगा, सेल जो आप करोगे उसके लिए भी अच्छा होगा. सो अगर आप घर पे बैठ के भी कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि फुल सपोर्ट यू आर गोइंग टू गेट, आइडियाज आपके पास काफ़ी ज़्यादा आएंगे बिकॉज यू आर नॉलेजेबल. सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ आई डू थिंक सो दैट यू विल गो थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसे पाठ कर रहे हो जिसके वजह से आपके मेंटल स्ट्रेंथ और स्टैमिना और भी बढ़े, और उसके लिए आपकी कॉन्फिडेंस और जब बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली कोई भी काम आप करो उसमें से आपका ब्रिलियंट परफॉर्मेंस तो होगा ही. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड हो सकता है कि आपको, मुझे इतना वाइब्रेशंस मिल रहा है कि आपको उतना ज़्यादा नर्चरिंग और केयरिंग रिलेशनशिप शायद आपको नहीं मिला अपने मॉम से, अपने डैड से, ठीक है. या अगर आप लव लाइफ रिलेशनशिप की बात कहें तो उतना ज़्यादा आपको ऐसा पार्टनर आपको मिला ही नहीं दैट हु विल केयर फॉर यू. उल्टा आपसे उन्होंने सब कुछ जैसे ले ही लिया है, दिया नहीं है. सो दैट फेज ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू एंड वेरी सुन, ठीक है. अगर आप वंचित थे कुछ चीज़ों से, जैसे होता है ना कुछ दादा दादी और नाना नानी, मैं नहीं बोलूँगी कि सबके साथ ऐसा होता है, बट कुछ लोगों के साथ तो ज़रूर होता है कि दादा दादी और नाना नानी के लिए एक बेटा का या एक बेटी का बच्चा इतना फेवरेट नहीं होता कि दूसरे बेटी और बेटा का बच्चा ज़्यादा फेवरेट होता है. अक्सर आपने देखा होगा, अपने फैमिली में ही देखा है. सो वो जो आप वंचित हुए हैं, वो जो प्यार से आपको, मतलब यू नो व्हाट यू हैड बीन ओके डिप्राइव्ड ऑफ लव और एनी सिंपैथी, आपको उस दौरान सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, फ्रेंड से भी नहीं मिला, मे बी इवन पेरेंट्स से भी नहीं मिला है. सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दैट यू आर गोइंग टू गेट इनफ सपोर्ट इन द फ्यूचर, इनफ केयर इन द फ्यूचर. केयर मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है. आपके पार्टनर इन फ्यूचर हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब अलर्ट रहे, आपको ध्यान रखे, आप ऑफिस आए सो आपको पूछे क्या हालत था, कैसा था, ठीक है, आपको बहुत कंफर्टेबल पोजिशन में रखे, उस तरह से मुझे दिख रहा है जैसे माँ रखती है, ठीक है, वही मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है. न्यू लव, न्यू रोमांस, जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करना, हो सकता है आपको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है. इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ आई डू फाइंड लाइक दैट क्रिटिसाइज तो रहेगा लेकिन उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है बिकॉज आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से जा रहे होंगे और आपको पीछे कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है. आपकी हेल्थ इश्यूज भी अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है. इफ एनीवन इन योर फैमिली वर फेसिंग एनी टाइप ऑफ हार्ट डिजीज या कोलेस्ट्रॉल, एनी टाइप ऑफ आर्टरीज प्रॉब्लम या क्लॉगिंग प्रॉब्लम अगर था, ठीक है, तो डॉक्टर के मेडिकेशन से वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है. या आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लानिंग कर रहे हो या प्लानिंग करोगे अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, अपने डाइट के ऊपर, सो दैट यू विल नो यू व्हाट यू विल गेट अ वेरी साउंड हेल्थ ओके इन द फ्यूचर. उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है. एंड नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स सो व्हाट इज गोइंग टू कम विद द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ. नेक्स्ट फेज में आपके लिए क्या आने वाला है, प्लीज विद एनी वर्ड्स
Thank you, universe. Thank you, spirits. And thank you, guys. Please guide me. ट्रैवल आपकी हो सकता है स्पिरिचुअल साइड पे आपकी जो है. देखो एस ऑफ कप्स यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स है. मैंने आपको कहा ना ये चीज़ तो होगा ही. वेरी नर्चरिंग केयरिंग रिलेशनशिप. एनी अराइवल ऑफ अ बेबी इट्स ऑल्सो ऑन द कार्ड्स. बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं आप. काफ़ी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा ड्यू टू बिजनेस ड्यू टू वर्क. प्रेशर बहुत बढ़ने वाला है. फ्लाइट में ट्रैवल हो सकता है. बाई रोड आपका ट्रैवल हो सकता है. विद इन द सिटी आपकी ट्रैवल हो सकती है. आपका घूमने जाना भी बनता है. एनी टाइप ऑफ अगर आप न्यूली मैरिड कपल है सो हनीमून के लिए आप जा सकते हैं. कोई ऐसी जगह पर बहुत अच्छे से बोटिंग होगा. अगर आप एक कपल है सो वाओ एकदम मस्त एकदम इवनिंग के टाइम पे एकदम बहुत बढ़िया सा एवरी यू कैन से सैटरडे या संडे इवनिंग के टाइम पे आप दोनों बहुत एक साथ अच्छे से टाइम गुजरने वाले हैं. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me, guys. Love you a lot. Take care of yourself and bye.